कहिए पिया जी। लगता है कि मेरा वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट रही है। जिस डाल को काटना चाहता हूँ वहां कुल्हाड़ा नहीं पहुंच रहा है, और मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा है। शरीर के अंदर अजब सी हरकत होने लगी है। ऐसा लगता है कि शायद मेरा बुरा वक्त आ गया है। नहीं पिया जी, आप अपने मुख से ऐसे शब्द मत कहिए। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है पिया जी, कि जब तक मैं आपके साथ हूँ आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन वो जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस भगवान के द्वार में जो इंसान का जितना वक्त लिखा होता है उतना वक्त ही पूरा किया जाता है, उसके अलावा एक सांस भी नहीं हम पूरा कर सकते, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं कुछ उस समय को आने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो पिया जी? सुनिए मेरी बात गौर से। एरी सावत्री जी, लिखड़े से मेरा सावत्री जी, लिखड़े से मेरा सावत्री जी, लिखड़े से मेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, बाबा जू मैं तेरा। जाने की बात करते हो, आपको कुछ नहीं होगा पिया जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात नहीं है सावित्री। जितना इंसान कहते हैं कि जितनी चाबी भरता है वो प्रभु उतना ही खिलौना चलता है, जितना हमें उसने आदेश किया है उतना ही इंसान जीता है। नहीं, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर मिले ना इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और हमारे बड़े आदरणीय बड़े भाई
ओम वीर चौहान साहब, वो भी 200 रुपए से हमारी टीम के लिए आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, क्या बता दिया सावित्री जी ने बात। ये मेरी काया का राम लिखड़ गया, मेरी काया का राम लिखड़ गया, जीता घुटता आवे से मेरे गोटिया में सर धर ले क्यों खड़ा घुमेड़ा खावे से, मेरे हाथ पर ढीले पड़ के सर पूरी तरह चकरावे से, पर ईश्वर ने याद पियावा सबकी धीर बंधावे से, आज होता दिखे क्या चढ़ दे बेकार की बातों में मेरा टाइम खराब मत कर पिया जी, जब तक वो भगवान वो ईश्वर हमारा हिमाती है, बिल्कुल जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन लगता है आज हमारा हिमाती भी हमसे रूठ गया है। ऐसा मत कहिए पिया जी, सुनिए मेरी बात गौर से। ओ नहीं बचेंगे प्राण मेरे, मन काल दिखाई दे रहा से, बाल ना बाग का हो सकता दिल मेरा गवाही दे रहा से, अरे काठे का मेरी जान काल का, काठे का मेरी जान काल का, बोल सुनाई दे रहा से, तेरे मर्ज की आज राम जी खास दवाई ले रहा से, आज होनी जयलाल जी जाने आवाज से, वो भी इस रागनी पर 200 रुपए से हमारी टीम के लिए आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। सावित्री, मेरे पास टाइम कम है, जो सबसे खास बात है मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या भैया जी? कि ऐसा ना हो कि कल को मेरा वक्त बुरा आ जाए, मैं जहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मेरे अंधे माता पिता मेरे बाद में, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं तो यहाँ से दुनिया से काल कर जाऊँ, तू यहाँ अपना बिस्तर बांध के तू अपनी कहीं दूसरी जगह। नहीं भैया जी। अच्छा, आप जानते हो कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। हाँ। और मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन आपके पिता मात को और आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकती पिया जी। अच्छा, हाँ, तो सुने मेरी बात गौर से। सही है पिया जी। सुन के
ओ तेरे सहारे छोड़ चला मैं, तेरे सहारे छोड़ चला उन्हें, मत ना दुख पहुंचे ये तू। इष्ट देव हनुमान के गुण हरे